अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम के मेज़बान बिलाल ख़ान निजी मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम में शरीक नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से प्रोग्राम की जो मेज़बानी के फ़राइज़ हैं वो मैं अंजाम दूंगा। जनाब, शहर कराची के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। शहर कराची की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ मसाइल का अंबार लग चुका है। किस किस मसाइल का जिक्र कीजिए, यहाँ पर पीने का पानी हो, सीवरेज की लाइनें हो, टूटी हुई सड़कें हो, ट्रांसपोर्ट का बदतरीन निज़ाम हो या इसके अलावा बढ़ती हुई आबादी हो। बहरहाल, हुकूमतें हर दौर में दावा करती आई हैं कि शहर कराची के लिए वो इरादा रखती हैं कि इसकी तामीर और तरक्की के लिए काम करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। साथ साथ मसाइल की अगर बात हो रही है तो एक शहर कराची का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त बन चुका है वो है जराइम की जो शरह है उसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जनाब, शहर कराची के लोग अभी इस मसले से निकल नहीं पाए थे कि एक ऐसा बयान पुलिस के आला अफसर की जानिब से दिया गया जिससे शहर कराची के लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हैं, बल्कि शशोपंज का शिकार हैं कि किस बुनियाद पर यह दावा किया जा सकता है कि शहर कराची में रहने वाले लोग खुद इन जराइम की दास्तानों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। अब इसके पीछे हकीकत क्या है और क्या वाकयातन ऐसा है कि शहर कराची के बासी इन तमाम जराइम की दास्तानों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, हकीकत में क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। असद जैदी जो हमारे चीफ रिपोर्टर हैं हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहूंगा और उनसे सारी सूरत हाल पे गुफ्तगू होगी। बहुत शुक्रिया जनाब असद जैदी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी यासिर भाई, आपका शुक्रिया। असद जैदी साहब, क्या सूरत हाल है, क्या वाकईतन ऐसा है कि लोग यहाँ चीजों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं? क्योंकि शबो रोज जो कुछ हम देख रहे हैं बजरिया सोशल मीडिया या जराए ब्लॉग पे जो कुछ दिखाया जा रहा है, क्या वो हकीकत की अक्कासी नहीं करता? जवाब दीजिए। यासिर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि कराची जैसे शहर जिसको मेगा सिटी कहा जाता है और पाकिस्तान का दिल कराची, बिल्कुल इसमें जहां एक तरफ मसाइल का अंबार बल्दियाती तौर पर लग गया बारिशों के बाद, तो उससे कहीं पहले से इस शहर का रोना जो कोई नहीं देख रहा, स्ट्रीट क्राइम जी। इसके बाद हम देखते हैं कि कराची शहर में आला ऑफिसर्स के जो मीटिंग्स होती हैं उसमें लेम एक्सक्यूजेस सामने आते हैं और फिर एक ऐसा बयानिया कि जी लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक ऐसी बात जो मुतवातिर हम आला अफसरान से कराची पुलिस के सुनते चले आ रहे हैं, जो कि सुनने में भी ऐसा लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। जब भी बात की जाती है कि नंबर ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स क्यों बढ़ गए, डकैतियों की शरह क्यों बढ़ गई, डकैती मजहमत पर लोग क्यों जख्मी हो रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, तो आगे से जवाब मिलता है, आला अफसरान ये कहते दिखाई देते हैं कि जी पहले लोग कंप्लेन नहीं करते थे, अब क्योंकि लोग थानों का रुख करते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, तो FIR दर्ज कराते हैं। बहुत खूब। खुदारा ऐसी बातें मत कीजिए जिससे खुद आपके अपने जो अंदाजे गुफ्तगू है उस पर शक होने लगे कि ये किस तरह की बात है कि लोग अब आते हैं, पहले आते नहीं थे, यानी पहले पुलिस काम नहीं करती थी, अब काम करती है। जब पुलिस काम नहीं करती थी तो डकैती की शरह कम थी, अब क्योंकि कराची पुलिस काम करने लगी है तो डकैती की शरह रोज बर रोज बढ़ती चली जा रही है। और जो शख्स अपनी आप बीती सुनाता दिखाई देता है वो इनको ये लगता है कि वो बढ़ा चढ़ाकर अपना किस्सा, ये किस्सा गम नहीं है यासिर, कराची का रोना है। बिल्कुल ऐसा। इस शहर के अंदर जहां पर हर रंग नस्ल का हर मजहब का शख्स रहता है, ये शहर हर शख्स को पालता है, लेकिन जब इस शहर की हिफाजत की बात आती है तो ना हमें सुलझे हुए पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं, ना हमें मीडिया पर आकर बात करने वाले और दलील दलाइल के साथ ये बताने वाले ऑफिसर्स दिखाई देते हैं कि जी क्यों ये शराब बढ़ी। कभी आप सलाब जदगान जो पहले से लुटे पिटे कराची में पहुंचे, आपने उनके लिए शेल्टर होम्स के लिए जो भी जगहें रखी, कभी आप उन पे इल्जाम दे देते हैं, कभी आप कह देते हैं कि जी ये मकामी नहीं गैर मकामी लोग डकैतियां करते दिखाई देते हैं, कभी फिर आप कह देते हैं कि लोग बढ़ा चढ़ा कर कराची का गम बयान कर रहे हैं। पहली बात यह है कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब और उसके बाद एडिशनल IG कराची जवेद आला मोटो साहब, क्या ये दोनों ऑफिसर एक पेज पे मौजूद है? सबसे पहले तो इसको देखना होगा। आज की ही अगर हम बात कर लें या सिर्फ, तो पिछले 8 माह का जो रिकॉर्ड है 58,000
डकैतियां यानी 58,000 वारदातें छीना झपटी की, जो रिपोर्ट अगर हुई है आप उसकी बात आठ माह कर का रिकॉर्ड ले लें, रहे हैं। 71 से ज्यादा लोग, 71 से 71 से ज्यादा लोग इन डकैती वारदातों में, जिसको हम मजाहमत कह देते हैं, जी उस पे अपनी जान से चले गए। आपकी हिकमत अमली कराची पुलिस के सामने नहीं आई। आपने अचानक से कहा कि हमने 200 लोगों की शाहीन फोर्स बना दी, यानी कि 2.5 करोड़ के शहर के लिए 200 लोगों की शाहीन फोर्स बना दी गई, सड़कों पे पहुंचा दी गई। किस तरह से चेकिंग कर रही है, किस तरह से लोगों का तयन हो रहा है, किस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं। अब अगर मैं बात करता चलूं तो देखिए 10 से ज्यादा ऐसे वाकयात रिपोर्ट इसी कराची शहर में हुए, जहां पर पुलिस से ज्यादा बेहतर अंदाज में शहरियों ने खुद डाकुओं को रोका, उन पे झपटे पलटे और फिर उनको पकड़ के दिया, पुलिस के हवाले किया। अब अगर हम बात कर लें कराची शहर में, जो हम पहले से कहते चले आए इसी प्रोग्राम में बार बार मुतवातिर, क्योंकि हम ये जो प्रोग्राम कराची टुडे करते हैं, हम कराची की बात करते बिल्कुल हैं ऐसे ही है। और कराची ये कहता है कि मेरे पास हिकमत अमली क्यों नहीं मुझे संभालने की, तो वो ऑफिसर जो अब तैनात हैं, देखिए आप अपना गम और गुस्सा किसी SHO पे, नीचे के अमले पर, किसी ऐसे ऑफिसर पे निकाल दें, सिपाही पर, लेकिन जो ऊपर बैठे हायरार्की सेट करने वाले लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पे बैठे हुए SSP साहिबान है, जो DIG साहिबान है, जो एडिशनल IG साहब के पास एक ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच है, वो क्या कर रही है। बिल्कुल अगर कराची शहर की मैं बात करूं तो वो जब हम कहते हैं कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस होने चाहिए, उसके नतायज निकलेंगे, तो उसके ऊपर खामोशी क्यों छा जाती है। बिल्कुल, या फिर इस शहर में छीना झपटी होती है, यहाँ से मोबाइल छीने जाते हैं, यहाँ से मोटरसाइकिल छीनी जाती है। अच्छा, असल यहाँ एक चीज का और जवाब दीजिएगा, इससे पहले भी मुतअद्दिद मर्तबा ऐसा हो चुका है कि जराइम को कर्ब करने के लिए फोर्सेस बनाई गई, लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला हमेशा से ये रहा है कि जो पुलिस की व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं जेर इस्तेमाल, वो पता नहीं इस्तेमाल के काबिल हैं भी या नहीं। अक्सर पुलिस वालों से जब बात होती है, वो ये रोना रोते हुए नजर आते हैं कि इसमें डलवाने के लिए ना उनके पास पेट्रोल है, ना डीजल है, ना उनको फंड्स दिए जाते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ये भी तो फरमाएं। हम हमेशा कहते चले आए और हम ये बताते चले आए कि 18 लीटर का एक कार्ड है, जो एक मोबाइल के लिए, एक TS में, एक मोबाइल में 18 लीटर सुबह और शाम के लिए डीजल डलता है जी, लेकिन उसमें से पहले ही 6 लीटर कामों के 12 मिलता है। ये मुसलिमा हकीकत रिकॉर्ड पे मौजूद है। इसके बाद जो आपका व्हीकल डिपार्टमेंट है, जिसका काम है मेंटेनेंस करना जी, वो कहीं गायब दिखाई देता है और उसकी रिपोर्ट भी SSP साहिबान लेते हैं, तो वो गाड़ियां जो के थानों के बाहर, हमने इसमें प्रोग्राम भी किया, कराची शहर के हर थाने के बाहर तकरीबन मोटर बाइक्स और गाड़ियां खराब खड़ी हुई है, तो उनके लिए बात करने वाला कोई इस वक्त तक मौजूद नहीं है। जब तक गुलाम नबी मेमन साहब एडिशनल IG कराची थे, तो उनकी पॉलिसीज थी जिसके ऊपर वो ये कहते दिखाई देते थे कि शहर को अमन का गवारा बनाने के लिए हम अंत तक मेहनत कर रहे हैं और हमने कुछ इसका मैकेनिज्म तय किया है। फिर हमने देखा कि जैसे वो IG सिंध बने, तो उनकी तवज्जो कराची से कम हो गई, और फिर जवेद आलम ओडो साहब जैसे एडिशनल IG कराची तैनात हुए, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज जो गुलाम नबी मेमन साहब की थी, वो कहीं पसे पुष्ट डलती भी दिखाई दी और नई पॉलिसीज सामने आई, जिस तरह शाहीन फोर्स है। इसी तरीके से हमने पहले बात की थी कि हर थाने में एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल मौजूद था जी, वो कहां चला गया। फिर पुलिस ऑफिसर को अगर आप इस डर के साए में रखेंगे कि अगर तुमने सही कार्रवाई भी की तो उसके ऊपर भी तुम्हें सजा दी जाएगी, तो वो कार्रवाई करेगा कैसे। फिर स्पेशल ब्रांच जिसके पास ये अथॉरिटी है, जिसके पास सिर्फ काम ही है कि वो थानों में जाकर देखे कि कौन से ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं और कौन लोग करा रहे हैं जी, उनकी IR रिपोर्ट्स इस वक्त कहाँ है। बिल्कुल, आपने पूरी पुलिस को यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बनने के ऊपर मामूर कर दिया। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है असद, मैं इसके बारे में भी आपसे पूछूंगा, लेकिन असद एक सवाल जो है, जो शहर कराची में रहने वाला हर शख्स पूछता है, वो ये जानने चाहता है कि यहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं, खासतौर पे मोबाइल छीनने के वाकयात, जिसमें लोग रिपोर्ट नहीं करते, वो इस डर से कि थानों में जो उनके साथ सलूक होता है वो इससे इज्तनाब करते हैं। ये फरमाइएगा कि अब इसको कितना इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, वो किस तादाद में हो रहा है, क्या ये बात सही है कि बहुत सारे जो क्राइम्स हो रहे हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते, ये बात किस हद तक दुरुस्त है।
एक तरफ तो पुलिस की बात कर ली जाए तो वो कहते हैं जी मुतवातिर हो रहे हैं रिपोर्ट, बढ़ गई है तादाद, पर इसमें भी गलत बयानी आई। बहुत से लोग नहीं जाते थानों तक, वो अपने मोबाइल सीपीएलसी से जरूर ब्लॉक करा लेते हैं, जिसके पास कोई रिसोर्सेज है वो जाकर अपनी सीपीएलसी से मोबाइल ब्लॉक करा लेता है, लेकिन लोग नहीं जाते थानों में। जब उनसे ये सवाल किया जाता है मोटरसाइकिल के कागज लाओ, तुमने कब खरीदी, किससे खरीदी, शोरूम का डीओ लेकर आओ, चीजें लेकर आओ, तो वो दो तीन मर्तबा के बाद परेशान हो जाते हैं। मोबाइल का बॉक्स लेकर आओ, जिससे खरीदा उसकी रसीद लेकर आओ, बहुत से लोगों के पास रसीद नहीं होती। अगर आपने ये सब कुछ करना है तो फिर उसका भी मैकेनिज्म तय करें। लेकिन एक शख्स जिसकी सिम अरसा दो महीने से तीन महीने से एक ही मोबाइल में IMEI आप मैच कर रहे हैं, वो चल रही है और वो आपको कंप्लेन कर रहा है, चिन गई, डकैती हो गई, आप उससे कह रहे हैं जाए पहले लवाजमात पूरे करें, उसके बाद हम आपकी कंप्लेन दर्ज करेंगे, और उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मैं खुद इसका विक्टिम मौजूद हूँ। उससे मोबाइल गया, सब कुछ पूरा लिया गया, आज तक कुछ पता नहीं। देखिए यहाँ से कराची शहर से मोबाइल छीनता है, बिल्कुल ऐसे कराची है, शहर से मोटरसाइकिल छीनती है, कराची शहर से गाड़ियां छीनती है, और फिर उसके बाद आनंद फानंद इसी शहर में गायब हो जाती है। बिल्कुल, एक इनको ऑपरेट कौन कर रहा है, दो ये लोग अकेले ये काम नहीं कर सकते, कोई डकैत का कोई ना कोई खरीदने वाला है, तीन ये बेचते जहां पर बेच रहे हैं वो शख्स कहां लेकर जा रहा है, चार इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। जहां तक हम समझते हैं और कराची के अवाम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तादाद में अगर छीना झपटी की वारदातें होने के बाद चीजें नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब सरासर ये है कि कोई इसकी पुष्पनाई कर रहा है, तो उस पुष्पनाई करने वाले शख्स का नाम आज तक मंजरेआम पर क्यों नहीं आया। बिल्कुल, एक है, दो है, दस है, या पचास है, या सौ है, उन लोगों का तायुन क्यों नहीं हो सका। आपने कहा हमने बुकला की फौज खड़ी करनी है, वो बुकला प्राइवेट बुकला की फौज कहाँ है जो जाकर रोकेगी कि जमानते ना हो, वो आज तक दिखाई नहीं दी। अच्छा असद, एक चीज का और तस्करा कीजिए असद, मैं ये चाहूंगा जरा इसके बारे में भी बात हो जाए कि यहाँ पर जो ये बयान पुलिस के आला अफसर की जानिब से आया है उसमें कहा गया कि ताजिर भी ये काम कर रहे हैं, वो खुद अपना कारोबार खराब कर रहे हैं और ये चीजें उनकी जानिब से भी जा रही हैं। अब ये फरमाइए ये बात किस हद तक दुरुस्त है, और दूसरा ये कि ये बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई, क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकईतन ताजिर नहीं चाहेंगे कि उनका काम बढ़े, वो खुद अपनी रोजी पे लात मार रहे हैं, इसके पीछे क्या हकीकत है, जरा इसकी भी मंजरकशी कीजिए। यासिर देखिए, जब भी हम किसी भी काम में नाकाम हो जाते हैं तो फिर हम उसके लिए हिलो हुज्जत से काम लेते हैं और बहाने तलाश करते हैं। कोई भी शख्स जिसने लाखों करोड़ों रुपए लगाया हुआ हो और उसके बाद वो प्रॉपर टैक्स भी पे करता हो, आपका एक पुरमन शहरी भी हो, और उसके बाद वो क्यों चाहेगा कि अपने कारोबार को खराब करे। बिल्कुल ऐसा ही, किसी भी शख्स को ये शौक नहीं कि लाखों करोड़ों लगा के और वो अपने बच्चों के लिए रिस्क नहीं कमाए बल्कि वो खराबी की तरफ दौड़े। बिल्कुल, जब भी कोई ताजिर से छीना झपटी होती है, जब भी किसी ताजिर को लूटा जाता है और फिर डकैती मजाहमत पर, ये नाम डकैती मजाहमत ही सबसे गलत है कि 71 लोग चले जाते हैं और आप उसको कहते हैं डकैती मजाहमत, यानी कि आपने एक चीज का सहारा ले लिया। आपने कहा था कराची पुलिस चीफ जब आपसे IG साहब, आपने कहा था कि अगर किसी भी PS के अंदर यानी कि किसी भी थाने के दूध में ये वाक्या पेश आएगा मैं उसे SHO को जो है वो सजा दूंगा। कितने SHO को सजा मिली? आपने एक मनपसंद ब्लैक कंपनी बना दी, लोगों को वहां भेजना शुरू किया, और उसके बाद आपने किन अफसरान को तैनात किया? क्या काबिल ऑफिसर्स खत्म हो गए या आप तैनात करना ही नहीं चाहते? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है? दूसरी बात, ताजिर हजरात जब एहतजाज करते हैं, पुलिस को उनकी ड्यूटीज याद दिलाते हैं, तो वो किसी तरह से भी पुलिस को एक आंख भी नहीं भाते, और उस पे इस तरह का जो बयानिया है जिसको गैर जिम्मेदाराना बयानिया कहा जाएगा वो पेश कर दिया जाता है, और ये ताजिरों के साथ मैं समझता हूं उनके गम और गुस्से को बढ़ाने के लिए ही कहा गया, ताकि वो मजीद कारोबार जो पहले से नहीं है, यासिर बिल्कुल एक तरफ बिजली का रोना, दूसरी तरफ मुतवातिर दो महीने बारिशों का होना, तीसरी जानिब कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाना, चौथी महंगाई की वजह से जब चीजों के कीमतों का जो है वो तायुन नहीं हो पा रहा, शबो रोज बढ़ते हुए डॉलर के प्राइसेस, फिर मार्केट में फ्लक्चुएशन, कारोबार का ना होना,
और उसके बाद ऐसी बात कह देना कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कना, तो मैं ये समझता हूं कि ये किसी इदारे का नहीं, किसी जाती शख्स का बयानिया है। और जिस भी शख्स ने, जो भी आला ऑफिसर ये बयानिया दे रहे हैं, उनको चाहिए है कि पहले मजदूर तबके की तकलीफों को समझें, पहले उन लोगों को समझें जो तनख्वाह निकलवा कर जा रहे होते हैं और उनकी तनख्वाह पूरा महीना जो बिल्कुल ठीक कमाया था वो छीन लिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद ये बात करें, कराची शहर के लिए मैकेनिज्म बनाएं, आगामी बुनियादों पे बनाएं, इससे पहले कि और एतमाद पुलिस से हट जाए। बिल्कुल ठीक है। पुलिस सिर्फ कब्जे छुड़ाने और कराने में मसरूफ रहे, इससे बेहतर है कि इन डकैतों का कलाकमा करें और इनके लिए कोई हिकमत अमली बनाए। कराची शहर का रोना अब सबको नहीं रोना, पुलिस को कोई हिकमत अमली। बिल्कुल ठीक है असद जैदी, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, आपने अपना वक्त दिया और कराची में जो बढ़ते हुए जराइम के वाकयात हैं उसके हवाले से मैं तफसीलन आगाह किया। असद जैदी हमारे जो चीफ रिपोर्टर हैं हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, बड़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की है शहर की जो इस वक्त जारी सूरत हाल है जराइम के हवाले से, उसके ऊपर उन्होंने तफसील से हमें बताया भी और इसके साथ साथ पुलिस के जो काम हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं, उस हवाले से भी बात हुई है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची शहर के हवाले से और दीगर मसाले हैं उसके ऊपर बात होगी। आप देखते रहें प्रोग्राम कराची टुडे।